सर मैंने ये 3 आलू लिए हैं और इन आलुओं को मैंने छील लिया है। ठीक है, फिर मैं इन आलुओं को काटने वाली हूँ। ये मशीन है जो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब इसे दबा कर उसमें आलू रख के और ये चॉप्स काट लीजिए। फिर देखिए कितने अच्छे कट रहे हैं और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रही है। और इस तरह से आप काट सकते हैं और आप घर पर भी फ्रेंच फ्राइज बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड कितने अच्छे कटे हैं। और ये देखिए मैं चाकू से काट के दिखा रही हूँ आपको। आप चाकू से भी काट सकते हैं, अगर आपके पास मशीन अवेलेबल नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। और देखिए फ्रेंड मैं ये इसके लिए सॉस बनाने वाली हूँ। तो इसमें लहसुन लिया है, खड़ी लाल मिर्च ली है और कुछ मसाले लिए हैं और टमाटर भी डाल लिया है इसमें। थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसे उबलने देंगे। और ये मैंने फ्रेंड ये चॉप्स पर थोड़ा आरा रोट डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि इसका पानी बिल्कुल सूखा हुआ हो। और आलू को मुझे पहले ही धुल लेना है क्योंकि बाद में इस पर पानी ना रहे, जिससे ये आरा रोट पूरा अब्जॉर्ब कर ले और आसानी से सारे चॉप्स में चिपक जाए। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से चिपक चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। और ये फूड कलर मैंने डाल दिया है और पानी नहीं डालना है इसमें, ऐसे ही चलाना है। बस इसे मिक्स कर देना है। हेलो फ्रेंड, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी। मेरा चैनल है manpoona.com। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ये मैंने मसाला लिया है, थोड़ा नमक मसाले का, और इसमें मिक्स कर दिया है। देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। और ये मेरी कढ़ाई है जो गर्म हो चुकी है, इसे हाई फ्लेम में गर्म करना है। और इसमें ये सारे फ्रेंच डाल दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक तल लीजिए। देख फ्रेंड कितने अच्छे से कलर आ गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला तब भी कितना अच्छा कलर आया है। अगर पानी डाल लें तो आरा रोट चिपक जाएगा और वो बह सकता है। बिल्कुल पानी नहीं डालना है इसे, इसका जितना आलू का पानी होगा वो सारा आपको पोंछ लेना है। और बस इन्हें 5 मिनट के बाद जाली पर निकाल देना है, जिसका जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो वो बाहर निकल जाए और थोड़ी सी हवा लग जाए। और ये मैंने जो मसाले उबाले थे उसे मैंने पीस लिया है। देख फ्रेंड कितना अच्छा हो गया है। बस कढ़ाई दोबारा से गर्म करके मैं उसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से पकाएंगे 10 मिनट तक। देखिए फ्रेंड अब कितने अच्छे लगने लगे हैं, बहुत अच्छा कलर आया है उसका। और मैंने सॉस को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और देखिए फ्रेंड मैंने निकाल के ये कितने अच्छे खिले खिले हो रहे हैं। एंजॉय कीजिए।